हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ समीक्षा। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी लुक है। आप इसको एज अ ब्राइड भी कर सकते हो, बस थोड़ी सी ज्वेलरी चेंज कर देना। तो मैं आपके साथ काफ़ी इजी स्टेप में ये लुक शेयर करने वाली हूँ, कोई भी स्टेप को स्किप मत करना। सो स्टार्ट करते हैं टोनर लगाने से। उससे क्या होता है, हमारे जो पोर्स होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। उसके बाद मैंने यूज़ किया है पर्पल का सीरम, क्योंकि हाँ, जो स्किन है वो ऑयली है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ऑयल को मैंने ये सीरम यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यूज़ किया है एन बाय बे का कलर करेक्टर प्लस प्राइमर। सो ये फेस पे जितना भी करेक्शन होगा उसको अच्छे से कर देगा। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है उनकी ही स्किन टोन से मैच करता हुआ कंसीलर, और इसको मैं लगा रही हूँ एक ब्रश की हेल्प से। काफ़ी अच्छे से लगाने के बाद मैंने ब्लेंड करा है उसको ब्यूटी ब्लेंडर से। तो अगर आपको कलर करेक्शन करना है तो आप यहाँ पे कोई ऑरेंज करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको नहीं यूज़ करना पसंद तो अपनी स्किन टोन से थोड़ा डार्क कंसीलर लगा लो, वो भी आपके पिगमेंटेशन को एंड डार्क एरिया को काफ़ी अच्छे से हाइड कर देगा। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है एक लाइट शेड, और उसको मैं लगा रही हूँ एज अ बेस, और उसमें मैंने मिक्स किया है मेबेलिन का सुपर स्टे 24 आवर फाउंडेशन। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने ब्लेंड कर दिया है, एंड बाद में मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करा, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर यूज़ करना अगर आप कोई मेकअप करते हो तो। जो ब्लेंडर मैंने यूज़ किया है वो है फॉरएवर 52 का, काफ़ी अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है, आप इसको ज़रूर चेक कर सकते हो, एंड काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर देता है प्रोडक्ट को। तो मैंने इन दोनों को मिक्स इसलिए किया है क्योंकि अगर स्किन ज़्यादा ड्राई है और ज़्यादा ऑयली है तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद काफ़ी अच्छा बेस रेडी हो जाएगा। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि हमारा जो फाउंडेशन है काफ़ी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड वो देर तक नहीं रहता, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप या तो अपने स्किन को अच्छे से कलर करेक्ट करो, या फिर मेकअप करने से पहले अच्छे से प्रेप कर लो अपने स्किन को, और या फिर आप कर सकते हो अपने फाउंडेशन का वन शेड लाइट फाउंडेशन यूज़ करोगे, क्योंकि अगर वो ऑक्सीडाइज भी होगा तो आपके स्किन टोन का हो जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि या तो आप लाइट फाउंडेशन यूज़ करो अपने लिए, या फिर अच्छे से कलर करेक्ट करो। तो एक बात ज़रूर नोटिस करना कि फाउंडेशन को यूज़ करने के बाद जो हमारा फेस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट लगता है, क्योंकि जो नेचुरल शेडोज़ होती हैं वो हाइड हो जाती हैं। तो कॉन्टोर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारे फीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से शार्प एंड एजी लुक दे, जिससे हमारा फेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने ये डार्क कंसीलर यूज़ किया है कॉन्टोर के लिए, इससे मैं उनके फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर दूँगी। लिप्स कॉन्टोर ज़रूर करूँगी क्योंकि उनके लिप्स काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो लिप्स कॉन्टोर के बाद वो थोड़े से ना प्लम्पी लगते हैं। तो मैं उनका फेस अच्छे से कॉन्टोर कर देने के बाद ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। अगर लगता है कुछ एक्स्ट्रा है तो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करो, वो फेड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फेस हाईलाइटिंग। इससे क्या होता है, जो फीचर्स है काफ़ी अच्छे से इन्हेंस होते हैं, तो फेस हाईलाइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेकअप में, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना। तो मैं उनके फेस को हाईलाइट कर रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो, जहाँ जहाँ पे हाईलाइटिंग की नीड है वहाँ पे कर रही हूँ। ब्लेंड करने के लिए मैंने एक स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ किया है, उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से सारे प्रोडक्ट को अच्छे से ब्लेंड कर दिया, एंड आप देख सकते हो कॉन्टोर हाईलाइटिंग के बाद फेस का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है येलो कंसीलर, एंड इसको मैं लगा रही हूँ अंडर आइज एंड लिटिल बिट चीक्स पे, क्योंकि मुझे सिर्फ उनके फेस को करेक्ट करना है, जो भी डार्कनेस है उसको कैंसिल आउट करने के लिए मैंने येलो कंसीलर यूज़ किया है। ब्लेंड करने के लिए मैंने ब्रश यूज़ किया है, उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। तो हमने कंसीलर भी काफ़ी अच्छे से लगा लिया, कॉन्टोर भी कर लिया, एंड फाउंडेशन भी लगा लिया, तो हमारा बेस जो इतना अच्छा रेडी हो चुका है। अगर हम उसको सेट नहीं करेंगे तो हमारा बेस काफ़ी जल्दी क्रीज कर जाएगा एंड लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहेगा। तो उसके बाद क्या करना है, अपने बेस को अच्छे से सेट कर लेना। तो मैंने यूज़ किया है फिट मी का लूज पाउडर, एंड इसकी हेल्प से मैं बेकिंग नहीं कर रही हूँ, मैंने जहाँ पे कंसीलर लगाया है वहाँ उसको मैं सेट कर रही हूँ, क्योंकि अंडर आइज एंड स्माइल लाइंस पे क्रीज करने का चांस ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा फोकस वहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट मैंने ब्लश यूज़ किया है, और उसके लिए मैंने दो शेड मिक्स किए हैं हुडा ब्यूटी के पैलेट में से। अब आता है आई मेकअप, तो उसके लिए मैंने सेम पैलेट यूज़ किया है। इसमें जो लाइट शेड है उसको मैं एज अ ट्रांजिशन शेड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ग्रेडिएशन चाहिए अगर आप कोई मेकअप कर रहे हो तो। जितना अच्छा मेकअप ब्लेंड होगा और ग्रेडिएशन होगा तो आई मेकअप उतना ही ज़्यादा प्यारा लगता है। उसके बाद मैंने इन दोनों शेड को मिक्स करके इसे मैं लगा रही हूँ ट्रांजिशन शेड के थोड़ा सा नीचे एंड आउटर वी पे फोकस करते हुए थोड़ा सा। तो आज का जो लुक है काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी लाइट शेड यूज़ किए हैं, जिससे ये हर ड्रेस पे कॉम्प्लीमेंट करेगा।
तो लुक बताना ज़रूर कैसा लगा। उसके बाद मैंने इन दोनों शेड को मिक्स करके आउटर वी पे फोकस करते हुए इस शेड को प्लेस किया है, जैसे कि आप देख रहे हो। एंड स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ करना है, बिग ब्लेंडिंग ब्रश यूज़ मत करना वरना वो कलर को काफ़ी ऊपर तक ब्लेंड कर देगा। नेक्स्ट मैंने शिमर लिया है और उसको मैं लगा रही हूँ सेंटर आईलिड पे, थोड़ा सा इनर वी तक जाऊँगी। और ब्लेंड करने के बाद लोअर लैश पे मैंने यूज़ किया है ऑरेंज शेड। उसके बाद मैंने काजल लगाया है, वो है मेबेलिन का काजल, और मैंने इसको स्मोक आउट कर दिया है जो ऑरेंज शेड है उसके साथ। मैंने ब्राउन को मिक्स करके इस काजल को स्मज कर दिया है क्योंकि आज का स्मजी लुक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो अभी जो मैंने शिमर लगाया है वो शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो यूज़ किया है। इसमें मेरा शेड है 02 डायमंड डस्ट एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिक्विड आई शेडो हैं, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। मुझे ज़्यादा शिमरी लुक नहीं चाहिए था इसलिए मैंने ब्रश की हेल्प से सिर्फ डैब डैब किया है एंड देख सकते हो आई लुक कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है म्यूजिक फ्लार का जेल आई लाइनर और इसको मैं एज अ लाइनर ड्रॉ करने के बाद एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से स्मोक आउट कर दूँगी। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है ब्लू हेवन का लिक्विड आई लाइनर और इसको मैं लगा रही हूँ सिर्फ एक बेसिक लाइनर ड्रॉ करूँगी जिससे आईज को थोड़ा सा फ्रेम मिल जाए। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये लुक कैसा लग रहा है। एंड नेक्स्ट वीडियो किस मेकअप पे चाहिए वो भी मुझे कमेंट में बता देना। आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स अपलोड करती हूँ। मेरा इंस्टा हैंडल है btwsam06, आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर लेना और पहले से कर रखा है सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है Glam 21 का हाइलाइटर पैलेट एंड इसमें काफ़ी प्यारे प्यारे शेड्स हैं और ये मेरा फेवरेट शेड है, तो इसके हेल्प से मैं उनके फेस को अच्छे से हाईलाइट कर दे रही हूँ। इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलना जिससे आई मेकअप काफ़ी अच्छे से पॉपअप होगा। उसके बाद मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का मस्कारा, इनकी लैशेज को अच्छे से कोट कर दूंगी। लिपस्टिक के लिए मैंने दो शेड मिक्स किए हैं, पहले मैंने इनके लिप्स को एक डार्क शेड की हेल्प से कॉन्टोर कर दिया है या फिर आप बोल सकते हो आउटलाइन कर दिया है जिससे लिप्स थोड़े थोड़े बड़े लगे एंड प्लम्पी भी लगे। उसके बाद मैंने, आप इसको बोल सकते हो पिंकी न्यूड शेड, इन दोनों को मिक्स करके ये पिंकी न्यूड शेड बना है तो मैंने इसको लगा दिया है। मेकअप कंप्लीट हो चुका है, लास्ट मैंने सिर्फ थोड़ा सा टचअप किया है, उसके लिए मैंने कॉम्पैक्ट की हेल्प से थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है। एंड लास्ट मेकअप को सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है मेकअप फिक्सर और इसको स्प्रे करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर देना। अब बचा है इनका हेयर स्टाइल एंड ज्वेलरी जो मैं इनको वेयर करा दे रही हूँ। सो दिस इज़ दी फाइनल लुक यू गाइस, होप आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड जिन्होंने पहले से कर रखा है सो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू। बना लो रोशनी से नूर के।